अब ये बताओ विश्वास क्या, सारा देश बिकता जा रहा है, कभी कुछ बेच दिया कभी कुछ बेच दिया, बताओ किस क्या विश्वास कर रहे। जब तो बोलते हैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिगड़ने दूंगा, सब कुछ हो गया, पता कितनी अर्थव्यवस्था बिगड़ी, कितनी कंपनी 15,000 कंपनियां नोएडा से जा चुकी है, सब भग रहे, दे नहीं पा रहे, काम नहीं चल पा रहा, उनका कहां से दे। सारा जो जिम्मेदारी किसान के ऊपर है, क्या अगर फौज में दे देश के लिए दे तो किसान बेटा दे, अनाज करे तो किसान करे, सारी जिम्मेदारी किसान की, सारा बलिदान किसान ही देगा क्या। हम क्या आतंकवाद दिए, क्यों हमारी बात नहीं रखी जाती, आप हर 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 कुछ ठोक देते हमारे ऊपर, हम तो कहते कहते नहीं, आप लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, इस पे विचार करो भाई, हाँ ये सच्चे हैं, हमको सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, झूठी नहीं लड़ रहे। 5 बीघे का जमींदार हूँ मैं, क्या पंजाब बेचना जाऊँगा क्या माल को, अब भाई किसी रेट पर कहीं बेको, ऐसे तो पहले बिक रहा था। हाँ जी, चक्का जाम के आदेश है, अब देखो जो भी तैयारी चल रही है, जो भी आदेश का पालन होगा, चक्का जाम पूरे भारत का, चक्का जाम 25 तारीख को। ये किसान को कितना मारोगे, अब किसान तो एक भी लगाओ पटवारी आ जा वो मारता, बिजली वाले वो मारते, हर तरह पीड़ित किसान है, 10 रुपये बिजली का होगा तुरंत लाइन काटना आ जाते, वो खेत में पानी नहीं दे सकता। दिक्कत तो कोई नहीं है, अच्छी बात है, ये लोग कहते हैं कि भाई किसान कहीं भी बेच सकता, आप कुछ भी कोई भी अपना माल कहीं ले जाए। अब ये बताओ जो 2 बीघे का जमींदार जो है, 4 बीघे जमींदार, वो क्या पंजाब लेके जाएगा अपने माल को बेचने के लिए। अब ये कहते हैं दूसरा काम, कहते हैं भाई स्टॉक कर लो या अपने घर में रख लो, पर जिसकी शादी है, घर में खर्चे है, चारों तरफ से किसान का इतना लगा, अब ये दबाव लगाइए आप कि किसका राशन जो लेना जाता है, कि सामान दुकान से ले लिया सामान एक किसान ने, उसका ये है भाई आज ही आया फिर 2 दिन बाद कर लिया, हर चीज़ का खर्चा दुकानदार से लाला से चलता है। अब वो घर में गेहूँ रखेगा बेचेगा, अब वो तो अपना बेक वाक के बेचारा वहाँ जाता है लाले दुकान पर, लाले दुकान पर पैसे पूरे हो जाते हैं, उसको क्या मिला। अब ये जो ये उस चीज़ का ये चल रहा अध्यादेश आ गया, अब ये कह रहे हैं भाई तुम MRP कर दो इस रेट से इस रेट तक, भाई अगर नीचे चलोगे गैरकानूनी है, तो इस चीज़ में किस चीज़ की आज़ादी मिलेगी आप बताइए। पहले भी तो जा रहा था आदमी बेचने के लिए, पहले भी तो दे रहा था, किसान तो जब भी पीड़ित था और आज भी पीड़ित है, उसको कोई लाभ नहीं है उसको, वो जब भी दुखी। अब ये बताइए वो अपने घर में स्टॉक करेगा कि उसको अपना घर खर्चा चलाएगा, जितना वो देनदारी कर ले हो जाती है उसकी, इतना फसल तैयार होती है, वो अब 4 बीघा करने के बाद में वो फसल को अपने घर में कैसे रख सकता। सरकार को ये सोचना चाहिए, इस पे बिल पे विचार करना चाहिए भाई, जब पीड़ित है कोई दिक्कत है जभी तो हम रोड पा रहे, अरे हमें क्या जरूरत है जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो, पर जब हमें पीड़ित लग रही है, हम दुखी है, हमें लगा कि इस चीज़ से हमें नुकसान है। 5 बीघे का जमींदार हूँ मैं, क्या पंजाब बेचना जाऊँगा क्या माल को, अब भाई किसी रेट पर कहीं बेको, ऐसे तो पहले बिक रहा था भाई, पहले दुकान वो मंडियों में ये वो था, कोई अपने ये लगाओ कि भाई 1900 रेट है, वो तो कह देते थे हमने कोटा पूरा हो गया, हम नहीं लेंगे हम माल आपका, और वो कहने लगे नहीं भाई हम तो खुशामद करेंगे, क्यों मुझे देख रही है भाई उसका देनदारी भी है, कर्जा भी है, फसल के पैसे भी देने हैं उसको, तो यही है। अब वो कहेगा ना मैं तो 1500 लूँगा, अब मेरी तो मजबूरी है ना, मैं ले डोल रहा हूँ, अब 2 दिन से मैं मंडी में बैठा हूँ, फसल लिए बैठा हूँ, उधर उधर नुकसान, इधर फसल इंतजार में कर रहा हूँ, वो कहेगा मैं तो 1600 लूँगा, ये दिखाई दे रहा है। आप बताओ किसानों किससे कहाँ बात करी है, हमारे टिकैत साहब कई बार जा चुके हैं डिबेट देने, हर चीज़ रोज़ चल रहे, रोज टीवी बता रहे, अब भाई इसको हमारी बात को सुनी जा, क्यों नहीं सुनी जाती बात को, क्यों उस पर विचार नहीं करा जाता। जो मोदी सरकार है वो कहते हैं कि हम किसानों को 6,000 रुपये दे रहे हैं हर साल, हेल्प कर रहे हैं उनकी, इसके अलावा जो लागत का 1.5 गुना दे रहे हैं, वो किसानों की जो आय है 2022 तक डबल कर दी जाएगी, तो फिर आपको दिक्कत क्या है। नहीं कहाँ कहाँ कर दिया आप बताइए, कहाँ कर रहे हैं 6,000 में, बताओ किसका कितना गुजारा चल जाएगा आप बताइए, कहाँ कितना कई दिन खर्चा चला लेगा, कई दिन अपना डीजल, अब कोई फसल बोएगा डीजल कितना महंगा हो गया, बीज इतना महंगा हो गया, कभी भगवान की बारिश आपदा आ गई, बारिश पर ओले पड़ गए फसल खराब, बारिश ना पड़ी जब फसल खराब, चारों तरफ तो किसान का मरण है। सरकार मुआवजा देती तो है, कहाँ इतना मुआवजा देती है, अभी लगा लो दिखाते कुछ है बताते कुछ, कौन इतना देखता है इस चीज़ को, कितना मुआवजा दे रहे कितना नहीं दे रहे, हर चारों तरफ पीड़ित किसान ही है। आप ये लगा लो किसान 1,00,000 रुपये ब्याज ले लेगा, या 50,000 ट्रैक्टर ले लिया, उसको 10 बीघे जमीन को नीलामी कर देंगे, इतने इतने करोड़ अरबों रुपये खरबों लेकर चलेगा, उनको तो आज तक फांस लगे, किसान पर तो ऐसे आफत पड़ जाती है, इसने कितना बड़ा पाकिस्तान बॉर्डर कूद के आ गया हो, इतना बड़ा गुनाह कर दिया, किसान तो चारों तरफ से हर कोई मारने में किसानों को लगा रहता है, किसान की कोई नहीं सुनता। लेकिन जो मोदी सरकार उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आप खुद देख रहे हो कहाँ किस चीज़ पर हो रहा है, कहाँ भी साथ दिया जा रहा है, ये बताओ हमारे सांसद जी महेश शर्मा आज तक बताओ गायब है, वो तो मिल नहीं रहे, बताओ कि कहाँ इतना परेशानी चल रही है, इतनी समस्या चल रही है, महेश जी तो दिख ही नहीं रहे,
हमें तो वही लग रहा वही लापता है ना, विधायक जी का समस्या सुन रहे थे तो बड़े हाथ से हो लिए, कहाँ किस चीज़ में अच्छे दिन आ गए, हम तो जब भी ऐसे थे रब भी ऐसी है, हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता। आज हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है, बताओ गेहूँ जब गेहूँ से कम रेट था सोने का, आज सोने का 60,000 रुपये पहुँच गया, गेहूँ वहीं का वहीं है। तो किसान तो हर समय मरता रहा बेचारा, उसे तो भी सब ना यही है अगर गुजारे लायक इतना ही होता उसका तो पूर्ति बढ़ जाए बच्चों को पालने में। ये बताइए फांसी खाली 3 महीने से सारी न्यूजों पे वही चल रहा, एक से एक पड़त खोलते जा रहे, ये हो गया वो हो गया, किसानों की इतनी लाठीचार्ज हुई थी पंजाब में किसी ने दिखाया, इतना किसान ने जहर खा लिया किसी ने दिखाया नहीं दिखाया, क्यों? एक कंगना है वो देखो कितनी सिक्योरिटी दे दी उसको, अगर वो पक्ष में बोलेगी तो उसको कोई सिक्योरिटी दे दी, वो किसानों को आतंकवादी बता रही है, मतलब कहाँ वो इसलिए खुमारी मांगे कि उसको ये दिख रहा है कि भाई सिक्योरिटी मिलेगी तुझे, तो एक तुझे बहुत बड़ा सहारा मिल गया उसका। अरे इसको कंगना जी ये लगाइए इसको सिक्योरिटी, अरे सब चीज़ बदलती है, ये क्या हमेशा बीजेपी सरकार ये भी बदलेगी, इसको बदलना पड़ेगा, जब वो कांग्रेस नहीं रही तो रहेगी ये भी नहीं, ये विरोधी है ही आप, ये हर चीज़ में किसानों का कहाँ पक्ष रखा, बताओ डीजल का बताओ क्या आमदनी है किसान की, डीजल इतना महंगा खरीद के कहाँ से, बारिश ना पड़ी तो किसान चारों तरफ से किसान का मरण हो रहा, कौन सा पक्ष में किसान के खड़ा, हमारे महेश शर्मा जी कितने दिन आ गए किसान के पूछने के लिए, किसान बेहाल है, कोई कैसी मर रहा, कोई फांसी खा रहा, कोई किसी को मार रहा, किसके पास पहुँच के जाके, सबको सस्ता के लालच है, ये जो और पार्टी है अपने इलेक्शन के उसके चक्कर में लग रही है भाई, हम तो हमेशा देखो विपक्ष में रहेगा, कोई सरकार आ जाओ हम तो किसानों के लिए लड़ते रहेंगे, दिखाई क्या था हमें तो उम्मीद लगती है भाई कोई नहीं ये अच्छा करेगा ये अच्छा करेगा, पर क्या करे, हमें तो ये दिखाई देता है चलो इसको देख लिया शायद इसको ये एक साथ किसानों की सुन ले, ये किसानों के साथ अच्छा व्यवहार हो जाए किसानों का भला हो जाए, हम तो देखो भलाई के लिए लगे रहते हैं, अगर कहीं तो किसी कोई तो भला करें एक उम्मीद के सहारे लगे रहते हैं। अच्छा जो देश में व्यापारी वर्ग है और किसान वर्ग है कौन सा ज्यादा हावी है सरकार? नहीं ये व्यापारी ज्यादा है, व्यापारी की सरकार है, व्यापारी कर रहे हैं हर चीज में, देखो व्यापार को उनको बढ़ावा दिया जा रहा है व्यापारियों को, पता किसान को तोड़ा जा रहा है व्यापारी को बढ़ाया जा रहा है, हर चीज में लगाइए, उद्योग में लगा लो, ट्रेन में लगा लो, देश की अर्थव्यवस्था में लगा लो, सब में व्यापारी का हाथ चल रहा है।